करेली में भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह का बर्थडे है, आप शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा सारी भोजपुरिया दर्शकों को। आज जैसे कि मैं पवन सिंह जो मेरे बड़े भाई आदरणीय पूजनी की तरह हैं, मैं उनका बड़ा ही कहा जाए कि फॉलो करता हूं, और आज उनके जन्मदिन में मैं आया हूं, उनको भी लाख लाख बधाई नए साल में। पहला जन्मदिन जो कि आज 5 तारीख को पवन सिंह जी का है, मैं उसमें अमरीश सिंह छोटा भाई उनका लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं कि पूरी महफिल भोजपुरी इंडस्ट्री को यहाँ इकट्ठा कर रखा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नया साल उनके लिए और पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अभी हाल ही में हम कलकत्ता गए थे, एक एनजीओ कार्यक्रम, कैसा एक्सपीरियंस है, क्या कहना चाहेंगे जी? जैसे कि मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो मैं एनजीओ में गया था, विकलांगों का एनजीओ, कई शहरों में उनका जो कार्यक्रम चलता है, एक नर्सरी बेसिक रूप से वो एक बस बना रखे हैं जो कि उसमें वो थेरेपी, योगा और उनको टीचिंग करते हैं, और बिल्कुल उस बीच में उनको काफ़ी सुविधाएं और उनको काफ़ी कहा जाए कि चीज़ों को उपलब्ध करते हैं। तो मैं उस एनजीओ से जुड़ा हूं और काफ़ी मैं पहली बार इस बार कलकत्ता गया और उनके साथ काफ़ी पूरे कलकत्ता में टूर किया उस एनजीओ को बस में लेके, उन गरीब बच्चों को जो विकलांग बच्चे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि इनके लिए बिल्कुल हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत है और उनको इंटरटेनमेंट करना चाहिए। मैंने पवन, सबसे पहली मूवी जो रिलीज मूवी है वो पवन जी के साथ किया था, तो मुझे बहुत खुशी है उनके बर्थडे में आके, और मैं उनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे पवन जी, गॉड ब्लेस यू। आज की पार्टी का जिस तरह से आयोजन किया गया, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री आइए, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बस अच्छा लग रहा है सबसे मिलके, अभी मैं नई हूँ, नए नए लोगों को देख रही हूँ यहाँ पे, मजा आ रहा है मुझे। पवन सिंह के लिए तो जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि वो सुर के एक बादशाह हैं, तो हम लोग जरूर उनके लिए ये इतना जरूर कहेंगे कि माता रानी सरस्वती ऐसे ही विराजमान रहे, और इस इंडस्ट्री को ऐसे लोगों की ज़रूरत है, और हमारे साथ रहें एज ए गार्जियन की तरह, और हमेशा एक कहा जाए स्टार की तरह बने रहें। और मैं अमरीश सिंह, इनुश्री और हमारे साथ में डायरेक्टर मिथिलेश अविनाश जी भी हैं, 2 शब्द इनसे भी ले लीजिए, तो साथ में एक बार हम सारे लोग अलापेंगे और कुछ कहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू जी जी जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नए साल का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सबों का। आज पवन सिंह का बर्थडे है, पवन सिंह मेरे छोटे भाई जैसे हैं, हमने उनके साथ एक पिक्चर 2011 में किया था, जब के वो दिल में समा जाला, पवन सिंह रानी चटर्जी कुणाल सिंह, फिल्म काफ़ी चली थी, और तब से हर कदम पे ऊंचाइयों को छूते हुए पवन सिंह यहाँ तक पहुँचे हैं, और मेरी शुभकामना उनके साथ है, और हार्दिक बधाई भी देता हूँ। उनकी कई फिल्में सुपर डुपर हिट रही, आगे भी होगी, और उम्मीद करते हैं 2017 सबके लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही शुभ होगा। नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा, बस सुनो कि बैंगलोर में जो देखा वो अभी वो फन में हो ही फन है, मतलब अब वहाँ पे क्या हुआ मैंने देखा नहीं, तो मैं उसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करना चाहती हूँ अभी फिलहाल। लेकिन सरकार तो मैं मोदी जी के बहुत पक्ष में हूँ, और मुझे उनकी सरकार बहुत पसंद है, और उन्होंने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, तो आगे भी महिलाओं के लिए हमेशा अच्छा होगा जब तक वो रहेंगे।